यस बेटा, नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करते हैं. चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेंजीन. डाइक्लोरोबेंजीन है तो बेटा, जैसे एक तो हो गया पैरा वाला, हो गया एक मेटा वाला और एक ऑर्थो वाला. बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए? बताओ आपको क्या लगता है, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए? ऑर्थो का, मेटा का या पैरा का, और क्यों? रीजन देके बताओ. बेटा बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंटर मोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है. मेल्टिंग पॉइंट होता तो वो पैकिंग पे डिपेंड करता. तो हमें पता है कि इस ये जो है दोनों एक तरफ लगे हुए हैं, तो इसकी म्यू की वैल्यू आएगी, जबकि ये एक दूसरे से ऑपोजिट है, कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो म्यू की वैल्यू जीरो आएगी. तो इसका मतलब ये तो नॉन पोलर है, मतलब इसमें तो वंडरवाल फोर्सेस है, और इसमें वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, इसकी भी हल्की फुल्की कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी. ज्यादा वैल्यू इसकी है तो ये ज्यादा पोलर है. इसमें डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन स्ट्रांग होगी, थोड़ी वीक होगी, इसमें तो वंडरवाल फोर्सेज होगी. तो जितनी बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितनी ज्यादा होती है, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होता है. तो ऑर्थो का सबसे ज्यादा होगा, फिर मेटा का होगा, फिर पैरा का होगा, तो सी इसका ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल इन द फॉलोइंग रिएक्शन. बताओ ये कौन सी रिएक्शन है. वो कह रहे हैं एल्कोहल की रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव एल्कोहल इस रिएक्शन के अंदर कौन सा होगा? बताओ ये कौन सी रिएक्शन है. सर लुकास रिएजेंट है इसमें. यस यस, लुकास वाला है. तो लुकास में आपको पता है ना कि जो टर्शरी वाला होता है, क्योंकि टर्शरी जो एल्कोहल होता है अगर वो अपना ओएच रिलीज कर दे तो वो क्या बन जाता है, टर्शरी कार्बोकेटायन बन जाता है. क्योंकि वो टर्शरी कार्बोकेटायन बन जाएगा, वो हाईली स्टेबल होता है, इसलिए जल्दी से ये वाला अपना बॉन्ड रिलीज कर सकता है. तो टर्शरी इज द मोस्ट रिएक्टिव, देन सेकेंडरी होगा, देन प्राइमरी होगा, इसलिए इसका आंसर जो है वो ये वाला हो जाएगा. बिल्कुल सही बात. द रिएक्शन ऑफ दिस विद दिस फॉर्म द कंपाउंड. तो इसको पहले आप खोल के लिखो. एक कार्बन के ऊपर तीन तीन मिथाइल लगे हुए हैं, एक ही कार्बन के ऊपर तीन तीन मिथाइल लगे हुए हैं, साथ में BR लगा हुआ है. टाइप ऑफ रिएक्शन बता दो मुझे, कौन सी टाइप की रिएक्शन आएगी ये बता दो बस. विच टाइप ऑफ रिएक्शन बताएं? एलिमिनेशन. बिल्कुल सही बात, क्योंकि ये आपका टर्शरी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, और ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है. तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड अगर हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो तो रिएक्शन जो होती है वो कौन सी होती है, एलिमिनेशन होती है. तो यहां से आपका H और यहां से Br बाहर आ जाएगा, तो इसलिए आपका जो फाइनल आंसर होगा वो कुछ ये होगा. तो देखो ये कौन सी ऑप्शन बन रही है, फिर ये वाली जो ऑप्शन बन रही है वो कौन सी बनेगी, बी ऑप्शन बन जाएगी. बी इज दी ऑप्शन. अ सिंगल कंपाउंड ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओजोनसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. ओके देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं बेटा, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसे हम लोग कैसे करते होते हैं. देखो इसको ना पहले आप खोल के लिखो. मैं शुरू कर रहा हूं इस वाले कार्बन से, ये मैंने CH लिखा, इसके ऊपर एक मिथाइल है, जो ब्रैकेट वाला मिथाइल है ये वो वाला हो गया, ये आपका CH2 हो गया, ये आपका C(OH) आ गया, ठीक है. ऐसा क्वेश्चन हमने ना इससे पहले वाले 7 पेपर के अंदर भी किया था, ओजोनसिस वाला. तो अगर आपको प्रोडक्ट पता हो और आपने स्टार्टिंग एल्कीन बनानी हो तो ऑक्सीजन का फेस आमने सामने कर दो. यहां तो सिंगल ही कंपाउंड है, उसी में दो ओ ग्रुप आ गए, ठीक है, तो ये ओ डबल बॉन्ड ओ बाहर निकाल दो, ठीक है. अब जो बनेगा वो दैट्स योर आंसर. ये देखो ये ऐसे बन गया, ये वाला मिथाइल मैंने ऐसे लिख दिया, ये यहां पे अब कार्बन आ गया, इस पे एक ये मिथाइल आ गया और ये बीच में आ गया आपका डबल बॉन्ड, ये चीज बन गई. डबल बॉन्ड को मैं अंदर डाल देता हूँ, डबल बॉन्ड को अंदर डाल देता हूँ. अब देखो इनमें से कौन सी ऑप्शन लग रही है, ये वाली डबल बॉन्ड के ऊपर मिथाइल है, डबल बॉन्ड के ऊपर मिथाइल किसके अंदर है, ये रहा सी ऑप्शन, डबल बॉन्ड के ऊपर मिथाइल ये रहा, फिर एक छोड़ के ये आ गया. मैंने सिर्फ क्या किया, इसको पहले खोल के लिखा है, जस्ट खोल के लिख लिया,
ऐसे, और ओ का फेस आमने सामने कर दो, ओ डबल बॉन्ड ओ बाहर निकाल दो, ओ टू बाहर कर दो, बाकी सारा आपस में जोड़ दो। मैं दोबारा जोड़ता हूं, देखो अब मैं इस वाली फॉर्म में जोड़ देता हूं। यहाँ पे सी एच टू है, फिर यहाँ पे आपका सी एच हो गया, ठीक है, इधर सी एच टू है, यहाँ पे सी के साथ सी एच थ्री है, और डबल बॉन्ड ओ, तो ये और ये सेम चीज बन गई। यस, क्या बात क्लियर हो गई, क्या बात क्लियर हो गई। यस नेक्स्ट, द आयुपैक नेम, द आयुपैक नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मिथाइल अमीन विद 2 मोल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड। बेटा मिथाइल अमीन की रिएक्शन करनी है 2 मोल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड, का मतलब है 2 बार करनी है, तो ये देखो वही वाली रिएक्शन हो गई। हॉफमैन अमोल्सिस का पार्ट कह लो, या हॉफमैन आपकी एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन कह लो, वही है, हॉफमैन एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन कह सकते हो। तो यहां से आपका HCl बाहर हो जाएगा, तो पहले तो आपको पता है कि इससे क्या बनेगा, स्केंड्री। फिर वो कहते हैं इसकी रिएक्शन एक बार फिर से कर दो, 2 मोल्स लिखा होगा ना, इसलिए एक बार और करनी है। फिर से बेटा एच और सीएल बाहर हो जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा। तो वो कह रहे हैं अब ये बताओ इसका आयुपैक नेम क्या है। अब ये आप बताओ, आप लोग बताओ कि इसका आयुपैक नेम क्या है, सोचो बताओ क्या होगा आयुपैक नेम। जब हम अमीन्स में आयुपैक नेम देते हैं तो एन के तीनों तरफ कार्बन है, जहां कार्बन ज्यादा है वहां पे आप नंबरिंग कर दो, जैसे कि 1 2, तो इसके लिए अलग से एन, इसके लिए अलग से एन, तो इसे बोलेंगे हम एन इथाइल, एन मिथाइल इथेन अमीन। तो कौन सा है, ये रहा एन इथाइल एन मिथाइल इथेन अमीन, इथेन अमीन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में बताओ कि अमीन की क्या इसमें से बेसिक स्ट्रेंथ है। आपको याद होगा वैसे तो टर्शियरी अमीन ज्यादा बेसिक होता है गैसियस में, बट एक्वस में याद है ना, स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्वेटेड आयन वाले फैक्टर आ जाते हैं, तो बेटा टर्शियरी सबसे लास्ट में चला जाता था, है ना। तो सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शियरी, पर ऐसा तब होता है जब आपका आर मिथाइल हो, और यहाँ आर मिथाइल ही है, तो पहले सेकेंडरी आना चाहिए। सेकेंडरी वाली ऑप्शन जो है अपने पास यही है, फिर प्राइमरी है, ऑप्शन ही एक है, लास्ट में अमोनिया आ जाएगा, तो डी इज योर आंसर, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए असर्जन रीजन वाले क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सही बात है बेटा, सारे के सारे जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो रिड्यूसिंग होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, और जो डाइसेक्राइड्स होते हैं उसमें से कुछ होते हैं रिड्यूसिंग कुछ होते हैं नॉन रिड्यूसिंग, उसमें से जो अपनी मेन शुगर जो चीनी हम खाते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग होती है, ये वाला तो पॉइंट सही है। सुक्रोज हैज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यस ये डाइसेक्राइड है तो इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी है, पर ये इसका रीजन तो नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो इसका मतलब फिर इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बी बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। टर्शरी अमीन डू नॉट रिएक्ट विद COCl, आप लोग बताओ क्या ये वाली बात सही है बेटा, कि जो टर्शरी अमीन होता है वो COCl के साथ कंबाइन नहीं कर सकता, यस और नो, स्टेटमेंट सही है गलत है। सर ट्रू है, ट्रू है, यस सर, क्योंकि इसके पास एच नहीं है, क्योंकि इसके पास एच नहीं है तो इसलिए ये रिएक्ट नहीं कर सकता। टर्शियरी अमीन हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग दिस, टर्शियरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा, नहीं ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि टर्शियरी अमीन के पास तो एच नहीं होता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, बल्कि इसका तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है, इसका बी था उसका सी हो जाएगा। ईथर्स आर स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स, ईथर को डार्क कलर्ड बॉटल्स में रखते हैं, यस बेटा, ईथर जो है ना इसको हमेशा
बंद बोतल में रखना चाहिए, डार्क बोतल में रखना चाहिए, नहीं तो एयर और लाइट के एक्सपोजर में, आगे लिखा हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एयर ईथर फॉर्म परऑक्साइड व्हिच मे कॉज एक्सप्लोजन. बेटा ईथर को हमेशा डार्क बोतल और बंद में रखना चाहिए, नहीं तो एयर और सनलाइट से ना परऑक्साइड्स बन जाते हैं, और परऑक्साइड्स जो होते हैं ना एक्सप्लोसिव नेचर के होते हैं. ये भी ट्रू है, वो भी ट्रू है, और परफेक्ट रीजन है, तो इसलिए इसका जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा. अब ये आपका, जैसे मैं कह रहा हूं ना पेपर है तो उसमें सारे तरह के क्वेश्चंस हैं, अब एमसीक्यूज हो गए, सर्जन रीजन हो गए, अब ये नॉर्मल क्वेश्चन स्टार्ट हो गए. ठीक है बेटा, राइट द फॉर्मूला ऑफ मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड. मेन प्रोडक्ट तो ठीक है हम बना देंगे, आप रिएक्शन का नाम बता सकते हो, ए वाली रिएक्शन का नाम क्या है? स्वार्ट्स रिएक्शन. इट्स वेरी गुड, स्वार्ट्स. तो ये एक हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है, हैलोजन एक्सचेंज हो जाता है, AGF, ठीक है ना, तो AGBR यहां पे बन जाएगा. ये वाली भी हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है, नाम बताओ. फिंकल स्टीन रिएक्शन हो गई, NaI एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है. और वाला ऑप्शन भी कर लेते हैं सिंपल बेटा, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ऑलवेज शो एडिशन रिएक्शन, तो मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंगली एडिशन हो जाएगी, है ना, नेगेटिव वाला पार्ट वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, सिंपल सब पॉइंट था. यहां बताओ क्या बनेगा? सर एल्केन बनेगा. एल्केन बनेगा, गलत, एल्केन तो नहीं बनेगा. यस, ये स्पेशल रिएजेंट है, SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, ठीक है ना. तो लाइक PCl5, लाइक PCl3, लाइक PBr3, लाइक P+I2, इन सब का काम होता है OH को हटाना, हैलोजन लगा देना. तो ये स्पेशल रिएजेंट्स में से आते थे, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा. ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. गिव सिंपल टेस्ट, केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड. उस केमिकल टेस्ट के नाम बता दो. देखो अगर आपको जरूरत है तो मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो हम सिर्फ नाम डिस्कस कर लेते हैं. प्रोपेनल प्रोपेनोन, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, अरे कितने मर्जी लिखी जाओ, है ना, टॉलरेंस टेस्ट आ जाएगा ये शो करेगा, फैलिंग आ जाएगा ये शो करेगा, बैंडिक्ट आ जाएगा ये शो करेगा और ये शो नहीं करेगा. टॉलरेंस में सिल्वर पीपीटी बनेगा, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं. फैलिंग और बैंडिक्ट में Cu2O की वजह से रेड पीपीटी बनेगा. ये आप बताओ, दो टेस्ट बताओ, इथेनल बेंजोइक एसिड में डिस्टिंग्विश करना हो, दो टेस्ट बताओ, एक इसका बताओ, एक इसका बताओ. हाँ, दो टेस्ट बताओ, एक जो ये शो करे, एक जो ये शो करे. बताओ बताओ, अरे इसका तो बताओ कम से कम. अरे एल्डिहाइड है बेटा, ये बेंजोइक एसिड है, एल्डिहाइड है तो टॉलरेंस फैलिंग वगैरह तो ना, टॉलरेंस फैलिंग तो ये दे देगा, ये नहीं देगा. इसका बताओ तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कर देना, ये एसिडिक होता है, एसिडिक होने की वजह से जब इससे रिएक्ट करेगा तो एफर्वेसेंस मतलब CO2 गैस रिलीज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, ये टेस्ट नहीं देगा. ऐसे बोल सकते थे, आइडोफॉर्म टेस्ट डाल देते बेटा, आइडोफॉर्म टेस्ट ये शो करेगा क्योंकि इसके पास CH3C OH ग्रुप है, जबकि बेंजोइक एसिड है उसके पास ये वाला ग्रुप नहीं है, तो इसलिए वो आइडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा. टॉलरेंस आइडोफॉर्म ये दे देगा और सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट जो है वो बेंजोइक एसिड देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, PKB ऑफ एनिलीन इज लोअर देन दैट ऑफ, क्या, गिव रीजन. इन सभी के आपने रीजन दे रहे, चलो अलग से पेज पे करते हैं. PKB of aniline, क्या मतलब हुआ PKB of aniline is lower than that of meta-nitroaniline. PKB lower है मतलब क्या, PKB lower है मतलब मैंने क्या प्रूव करना है कि aniline क्या बेसिक है, aniline क्या है, कम बेसिक है, ज्यादा बेसिक है, ज्यादा बेसिक है. PKB is inversely proportional to basic nature. KB होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर. तो अगर PKB लो
मतलब बेसिक ज्यादा, तो प्रूव करो एनिलिन इज मोर बेसिक देन मेटा नाइट्रो एनिलिन, तो वो तो प्रूव हो ही जाएगा ना। आप कहते ना देखो एनिलिन तो जैसा है वैसा है ही, वैसा तो ये भी है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, पर ये मेटा पोजिशन है, मेटा पोजिशन पे आर इफेक्ट नहीं होता, बस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंगली कह देना कि आई इफेक्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। तो विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खींचेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, तो कम बेसिक हो जाएगा, इसलिए इसके मुकाबले ये और भी कम बेसिक है, दिस वन इज मोर बेसिक, ये ज्यादा बेसिक है। क्लियर होगी बात, क्या बात क्लियर हो गई? यस सर। अगला क्वेश्चन ये पेपर में आने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनालिन डज नॉट अंडरगो फिडलक्राफ्ट रिएक्शन, व्हाई? देखो NH2 में जो एनिलिन में जो NH2 है, वैसे तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है जो कि एक एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, और एक्टिवेटिंग ग्रुप तो बल्कि रिएक्शन बहुत बढ़िया दिखाते हैं, पर ये एनिलिन है, इट शो एबनॉर्मल बिहेवियर। आपको याद होना चाहिए कि जब फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन करते हैं तो हम उसमें क्या डालते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 डालते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता था, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता था। हम इसको डालते थे एल्काइल हैलाइड के लिए ताकि वो इसे पोलराइज कर सके, पर इसके लोन पेयर होने की वजह से और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से उसके पास चला जाता है और उसके इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेता है, जिससे वो उसे हाईली डेफिशिएंट बना देता है। अब वो लेस रिएक्टिव हो जाता है, इतना लेस रिएक्टिव हो जाता है कि इवन फिडलक्राफ्ट रिएक्शन भी शो नहीं कर पाता। तो बेटा एनालिन जो होता है वो फिडलक्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता। एनालिन सॉरी ऑन नाइट्रेशन गिव्स मेटा प्रोडक्ट इन एडिशन टू ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। हाँ कोई बताएगा बेटा कि एनालिन वैसे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वैसे तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो हमेशा ऑर्थो पैरा पे भेजना चाहिए, पर जब हम उसकी नाइट्रेशन करते हैं तो उसमें ऑर्थो पैरा के साथ साथ मेटा वाला प्रोडक्ट भी बन जाता है। क्यों बनता है बताओ, बताओ क्यों बनता है, मेटा प्रोडक्ट साथ में क्यों बनता है, याद होना चाहिए। हाँ एल्युमिनियम आयन बन जाता है सर। एल्युमिनियम आयन। यस वही वाली बात, पहली बात तो एनालिन है तो कुछ तो अलग दिखाएगा ही ना, तो क्योंकि इसका लोन पेयर है, हम तो नाइट्रिक एसिड को डालते हैं एज ए नाइट्रेटिंग एजेंट, पर ये अपना एसिडिक बिहेवियर भी दिखा देता है, इसके पास लोन पेयर होता है, ये अपना एच पॉजिटिव उससे रिएक्ट करवा देता है, तो बीच में एनालिनियम आयन बन जाता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है, और विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो हमेशा मेटा पे भेजता है, इसलिए हम कहते हैं कभी भी डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं करनी चाहिए, ठीक है, पहले एसिटाइलेशन करनी चाहिए उसके बाद आपको नाइट्रेशन करनी चाहिए। चलिए, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स आर मोर स्टेबल देन एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट्स, व्हाई? बेटा वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो एरोमेटिक डाइजोनियम है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि जो एलिफेटिक या एल्काइल डाइजोनियम है वो स्टेबल नहीं होते। तो इसको हमने डिस्कस किया था बेटा, अगर ये टूट जाए, इस मॉलिक्यूल के पास ना बहुत स्टेबल गैस छुपी हुई है नाइट्रोजन, तो ये मॉलिक्यूल नाइट्रोजन को होल्ड नहीं कर पाता, तोड़ देता है और ये सब चीजें बना देता है। फिर आप कहोगे ऐसे तो इसके पास भी छिपी हुई है, हाँ तो ये भी अगर तोड़ेगा ना, बना तो देगा, पर इधर बनता है फिनाइल कार्बोकटाइन विच इज हाईली अनस्टेबल, विच इज हाईली अनस्टेबल, इसलिए ये मॉलिक्यूल चाहता नहीं कि मेरा मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो जाए और मैं अनस्टेबल बन जाऊं, इसलिए ये फिर भी अपने आप को होल्ड कर लेता है, थोड़ा बहुत स्टेबल होता है, पर ये भी स्टेबल होता है ओनली एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे ही स्टेबल होता है, 0 डिग्री के आसपास, अगर हल्का फुल्का हीट कर दिया तो वो कहता है फिर तो मैंने भी टूटना है। तो आप बल्कि ये लिख के आना, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स आर मोर स्टेबल एट वेरी लो टेम्परेचर बिकॉज इफ इट ब्रेक इट कन्वर्ट इन टू हाईली अनस्टेबल फिनाइल कार्बोकटाइन, ठीक है, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन इट डज नॉट डिसोशिएट, जबकि ये डिसोशिएट हो जाता है। ओके
राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, कोई मुझे बताएगा ये कह रहे हैं मैकेनिज्म लिखो, मतलब कौन से मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कौन से मैकेनिज्म की बात की जा रही है, किस तरीके का मैकेनिज्म? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। हाँ, और उसमें दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं, या तो SN1 होता है या SN2। अब जरा देख के बताओ ये SN1 लग रहा है या SN2 के मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली आंसर आएगा, तो कौन सा मैकेनिज्म लिखना है, 1 वाला या 2 वाला? ये कह रहे हैं मैकेनिज्म लिखो इस रिएक्शन को देख के, तो आपको क्या दिख रहा है कि SN1 वाला लिखें या SN2 वाला लिखें? सोचो सोचो सोचो, जल्दी सोचो। बेटा अगर SN1 होता तो बढ़िया कार्बोकेटाइन होता ना, अगर SN1 होता तो बढ़िया कार्बोकेटाइन होता, कार्बोकेटाइन तो बढ़िया है नहीं, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, तो ये SN2 मैकेनिज्म है। अब आई थिंक वो तो आपको आता होगा, उस सिंगल स्टेप में रिएक्शन जाएगी, ठीक है, वो कर लोगे अपने आप या मैं करके दिखाऊं SN2 मैकेनिज्म? बोलो बोलो जल्दी बोलो बेटा। हो जाएगा सर। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन टू पिक्रिक एसिड, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन 2,4,6 को कन्वर्ट करना है पिक्रिक एसिड में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पिक्रिक एसिड ये होता है ट्राइनाइट्रोफिनोल, तो बताओ इसे कैसे कन्वर्ट करें? वैसे तो एराइल हैलाइड बहुत मुश्किल से रिएक्शन शो करते हैं, वैसे तो एराइल हैलाइड जब रिएक्शन शो करते हैं तो NaOH 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे करते हैं, बट क्योंकि यहां पे तीन तीन नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं जो इसका Cl आसानी से रिमूव करवा देंगे, NaOH तो छोड़ो वाटर लिख देना तो भी रिएक्शन हो जाएगी, हल्का सा हीट करेंगे Cl हट जाएगा OH लग जाएगा, सिंपल वाटर से ही रिएक्शन हो जाएगी, यहां NaOH वगैरह मत लिख के आना। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता कि इससे बनाओ फिनोल, फिर आपको NaOH लिखना पड़ता, हाई टेम्परेचर लिखना पड़ता, हाई प्रेशर लिखना पड़ता, पर जैसे जैसे नाइट्रो ग्रुप लगते रहते हैं जो कंडीशन है वो डाइल्यूट होती रहती है, टेम्परेचर कम प्रेशर कम, और इतने पे तो सिंपल वाटर से ही बात बन जाती है। व्हाट द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्जन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड टू टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड को टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, अब ये आपका SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली हो जाएगा, वाटर डाल देना टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड के अंदर, उससे टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल बन जाएगा, मतलब लाइक दिस। दिस वन इज टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड और आपने इसको किसमें कन्वर्ट करना है, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल में, तो क्योंकि यहां पे कार्बोटाइन टर्शरी वाला बनेगा तो बेटा SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली करेंगे, ठीक है। हमने रिएक्शन दिखानी है सब्स्टिट्यूशन, तो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं ऐड करना, वीक बेस से बात बनेगी, आप सिंपल वाटर के साथ रिएक्शन शो कर देना, Cl हट जाएगा OH आके लग जाएगा, क्लियर बात? ये अभी भी डिस्कस हो गया, अभी अभी डिस्कस हुआ है, हाउ कैन यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू फिनोल, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एन एग्जांपल, लुकास रिएजेंट विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस एंड मैन्युफैक्चर ऑफ फिनोल टू क्यूमीन, मैं सी वाला पार्ट करवा देता हूँ बेटा, क्योंकि विलियमसन्स एंड लुकास आई थिंक बहुत सिंपल सी रिएक्शंस हैं, सभी को आती भी होगी और आनी भी चाहिए, है ना, तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, मैन्युफैक्चर ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन, बेटा क्यूमीन जो होता है ना वो होता था आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसे हम क्यूमीन कहते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, तो अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होता था बेटा, ये दोनों ऑक्सीजन ऐड हो जाते थे, इस तरह से परऑक्साइड्स बन जाता था ऐसे, फिर आप इसको बस सिंपली हीट कर दो, ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है फिनोल की, तो यहां से आपका फिनोल बन जाएगा और साथ में एसीटोन बन जाएगा,
दिस हाउ वी कैन प्रिपेयर फिनोल फ्रॉम क्यूमीन. क्यूमीन को हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं. यस बेटा नेक्स्ट. एनालिन से बनाओ पैराब्रोमो एनालिन. बताओ कैसे बनाएं. मैं आपको हिंट देता हूं. क्या मैं सीधी ब्रोमिनेशन कर दूं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में? क्या उससे बन जाएगा बताओ? यस और नो? सर नहीं बन. नो सर. क्योंकि उससे क्या होगा, एनहाइड्रस AlCl3 इसको ब्लॉक कर देगा, है ना. तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, एसिटाइलेशन रिएक्शन करते हैं एसिड एनहाइड्राइड के साथ. इस रिएक्शन को एसिटाइलेशन रिएक्शन कहते हैं. प्रोटेक्शन ऑफ एनिलिन भी कहते हैं. एसिटिक एसिड बाहर हो जाएगा और उससे ये बन जाएगा. ऐसा लगने से ये एक विड्रॉइंग ग्रुप साथ में लग गया जो उसका एक्टिवेशन नेचर थोड़ा सा कम कर देगा. अब अगर आप इसकी करोगे ना ब्रोमिनेशन तो बात बन जाएगी. वो भी किसकी प्रेजेंस में करना है? अब कैसे करोगे, CH2 डालोगे, CH2 डालोगे या एनहाइड्रस AlCl3? या एक्वस, चाहे एक्वस कर दो चाहे एनहाइड्रस AlCl3 कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि इस ये जो ग्रुप है ठीक है वो एनहाइड्रस AlCl3 से उसे प्रोटेक्ट कर लेगा. अब इससे क्या होगा कि एक बार ऑर्थो पे आके लग जाएगा, एक बार पैरा पे आके लग जाएगा, फिर आप हाइड्रोलिसिस कर देना एसिडिक मीडियम में, यहां से बोन टूटेगा तो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो जाएगा. इस तरह से दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एसिटाइलेशन हम बोल देते हैं इसको. नेक्स्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बनाना है. बता दो ये कौन सी रिएक्शन है. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन. पैरा हाइड्रोक्सी कपलिंग रिएक्शन हो गई बेटा. फिनोल एसिडिक होता है तो बेसिक मीडियम में रिएक्शन चलेगी. बस ऐसे आप इसे बाहर करेंगे तो ये आपका पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बन जाएगा. कपलिंग रिएक्शन. Provide the structure of N diethyl. ये तो क्या सिंपल सा है, ब्यूटेन वन अमीन. ब्यूट हो गया, अमीन हो गया. अब यहां पे दो इथाइल लगा देना, दो इथाइल लग जाएगा. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एरोमेटिक कंपाउंड ए. ए कोई एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड है, C8H8O. गिव्स पॉजिटिव 2,4-DNP टेस्ट. अगर वो 2,4-DNP मतलब ब्रेडिस रिएजेंट टेस्ट देता है, इसका मतलब वो बताना चाह रहे हैं या तो ये एल्डिहाइड है या ये कीटोन है. इट गिव्स येलो पीपीटी विद आयोडोफॉर्म विद आयोडीन एंड NaOH. इसका मतलब इसके पास ये वाला ग्रुप पक्का लगा हुआ है. ए डज नॉट गिव टोलेंस एंड फेलिंग टेस्ट. टोलेंस और फेलिंग टेस्ट नहीं देता. अब बताओ वो एल्डिहाइड है या कीटोन है? सर कीटोन. कीटोन. इसका मतलब वो कीटोन है, एल्डिहाइड नहीं है. ऑन स्वीयर ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम पर मैंगनेट वो बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड C7H6O2 वाला. तो बताओ ये आपका सी क्या है, तो बी क्या था? अच्छा कंपाउंड बी, कंपाउंड बी. अच्छा बी यहाँ पे बनता बनेगा. ओके तो ए क्या है. ठीक है तो कीटोन बनाना है हम लोगों ने, है ना. तो ठीक है अब देखो एरोमेटिक है, सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक कीटोन तो ये बनेगा. पहले चेक कर लो क्या बन रहा है ये. कार्बन इसमें कितने हैं, 8 है. हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 8 है. ऑक्सीजन 1 है. बात ही खत्म हो गई. ठीक है अब इसकी अगर हम बी बनाते हैं, आयोडीन प्लस NaOH डालते हैं, तो आपको पता है हमेशा ये वाला जो पार्ट होता है ये हमेशा आयोडोफॉर्म बन जाता है, बाकी वाला पार्ट ऑक्सीडाइज होके एसिड बन जाता है, पर बनेगा सॉल्ट. और सी जो बनाना है आप ऑक्सीडेशन करोगे इसकी KMnO4 की प्रेजेंस में,
तो बेंजोइक एसिड ही बनेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास बनाने के लिए। चेक कर लो क्या C7 है, हाँ है। H6 है, हाँ है। O2 है। तो ये बेटा आपका C हो गया, ये आपका B हो गया, और ये आपका A हो गया। क्लियर बात। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, कैन गेटरमैन कोच रिएक्शन बी कंसिडर्ड सिमिलर टू फिडलक्राफ्ट असाइलेशन डिस्कस विद केमिकल रिएक्शन। जो गेटरमैन कोच रिएक्शन है क्या वो फिडलक्राफ्ट की तरह ही है? देखते हैं, पहले ऐसा करते हैं, दोनों रिएक्शन लिखते हैं उसके बाद सोचते हैं। गेटरमैन कोच रिएक्शन जो थी ना, ये बेटा बेंजीन की रिएक्शन होती है। इसमें हम HCl साथ में CO डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और इसमें बेंजल्डिहाइड बन जाता था, ठीक है। और जो आपको पता है फिडलक्राफ्ट जो रिएक्शन होती है वो हम जैसे कि मान लो ऐसे CH3COCl है ना, एनहाइड्रस AlCl3, तो उसमें एरोमेटिक कीटोन बन जाता था, फिडलक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन हो गई। तो क्या दोनों रिएक्शन सेम है? यस, बिल्कुल सेम जैसी रिएक्शन है। एक्चुअली बेटा क्या होता है, जैसे ये है आपका एसिटाइल क्लोराइड, बेटा जो फॉर्माइल क्लोराइड होता है ना, ये अनस्टेबल होता है। फॉर्माइल क्लोराइड एक्चुअली में अनस्टेबल होता है। इसको ना हम रिएक्शन के अंदर बनाते हैं। HCl और CO जब आपस में कंबाइन होंगे ना, तो ये चीज बन जाती है, और ये बनते ही ना टूट जाता है, बनते ही ये चीज टूट जाती है। ये नेगेटिव वाला अलग हो गया, अब ये देखो ये पॉजिटिव वाला पार्ट आ गया, तो ये एल्डिहाइड बन जाता है। तो यस, दोनों ही रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है। तो आपकी माइंड में आएगा सर इतनी सिमिलर है तो उसे फिडलक्राफ्ट क्यों नहीं कहते थे? फिडलक्राफ्ट कहता है डायरेक्टली इस्तेमाल करना है एसिड क्लोराइड को, और इसका आप डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, इसलिए इसको रिएक्शन के अंदर बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज टू केमिकल्स, इसलिए ये अलग रिएक्शन हो गई। इसका नाम है गेटरमैन कोच रिएक्शन। पर वैसे देखा जाए तो दोनों रिएक्शन एक जैसी सी ही रिएक्शन है। यस बेटा, क्या बात क्लियर हो गई है? बताओ क्या बात क्लियर हो गई है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O। बेटा एक ना मैं कल एक लेक्चर ग्रुप में डाल दूंगा, इन्हें वर्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं। जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, उन सभी की अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आप जो CBSE बोर्ड वाले हैं एक बार उससे गो थ्रू हो जाओ, ताकि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपका माइंड चलना शुरू हो जाए कि वो कैसे करते हैं। और बेटा उन्हीं में से आ जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है कि इससे बाहर कुछ वो डाल देंगे। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए C3H8O, इसकी अगर हम रिएक्शन करते हैं कॉपर 573 केल्विन पे, तो इट गिव्स बी। ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो या तो ये एल्डिहाइड बन रहा होगा या ये कीटोन बन रहा होगा, डिपेंड अपॉन कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है। बी डज नॉट रिड्यूस फैलिंग, इसका डज नॉट रिड्यूस फैलिंग, इसका मतलब वो क्या है, एल्डिहाइड है या कीटोन है? कीटोन है। डज नॉट रिड्यूस फैलिंग बट गिव्स येलो पीपीटी, इसका मतलब इसके पास ये वाला ग्रुप पक्का होगा। तो बताओ ABC क्या है? और सिंपल है, तो ये पक्की बात कीटोन है, तो इसका मतलब सेकेंडरी अल्कोहल होना चाहिए, सेकेंडरी अल्कोहल ही तो होना चाहिए, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब इसमें जब आप डाल दोगे क्या कॉपर एट 573, हाइड्रोजन बाहर हो जाता है, ये हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, और इससे आपका कीटोन बन जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी ना, खत्म बात। अब इसमें डालोगे आप आयोडीन प्लस NaOH, तो ये वाला पार्ट हमेशा हाइड्रोफॉर्म बन जाता है, बाकी वाला पार्ट ऑक्सीडाइज होके सॉल्ट बन जाता है, बनना चाहिए था एसिड बनता है सॉल्ट, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। देर आर टू NH2 ग्रुप इन सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड में दो NH2 ग्रुप होते हैं, पर हम उसमें से कोई एक ही इस्तेमाल करते हैं। बस आप ही मुझे बता दो कौन सा इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज सेमी कार्बाजाइट? हाइड्राजिन का एक एच हटा के अमाइड ग्रुप लगा देते हैं, तो कहते हैं एक ये रहा NH2, एक ये रहा NH2। हाँ जी, कौन से वाला इस्तेमाल करते हैं, ए वाला या बी वाला? ए वाला।
वाला ओनली वन इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन, तो बताओ बी वाला क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते सर? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लग गया। यस, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, बहुत बढ़िया। सी डबल बॉन्ड ओ जो ग्रुप है वो लगा हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप लगा हुआ जो विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये बढ़िया न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। ड्यूरिंग एस्टेरिफिकेशन द एस्टर और वॉटर शुड बी रिमूव्ड एज सून एज फॉर्म्ड। दो बढ़िया रीजन देके बताओ कि जब हम एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करते हैं, एस्टेरिफिकेशन बेटा जिसमें एस्टर बनता है, तो एस्टर बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल के साथ, ठीक है, तो वाटर बाहर आ जाएगा और एस्टर बनता है, तो वो कहते हैं कि ड्यूरिंग एस्टेरिफिकेशन एस्टर और वाटर शुड बी रिमूव्ड एज सून एज इट इज फॉर्म्ड, इनको इमिजिएटली बाहर निकालना निकाल लेना चाहिए। क्यों? दो रीजन देके बताओ क्यों बाहर निकाल लेना चाहिए। पहला रीजन, अगर आप एस्टर बनाना चाहते हो, आप जैसे ही ये बने इसको बाहर निकाल दो, नहीं निकालोगे तो रिएक्शन रिवर्स चल पड़ेगी। रिएक्शन क्या चल पड़ेगी? रिवर्स चल पड़ेगी, ठीक है, तो वापस वो चीज बन जाएगी। तो आपने इसको लेना है तो आप इसको इमिजिएटली बाहर निकाल दो। दूसरा, इसको बाहर निकालोगे तो इसकी अमाउंट घट जाएगी, रिएक्शन वहां जाएगी जहां पे इसकी अमाउंट बढ़े। ये कब बढ़ेगा? जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, तो रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड में जानी शुरू हो जाएगी, ज्यादा फॉरवर्ड में जानी शुरू हो जाएगी। इसलिए बेटा, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना, इसलिए इनको बाहर निकालना पड़ता है ताकि रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड चले। मोर ओवर, ताकि इसको हम बाहर निकालें, नहीं निकालेंगे तो रिएक्शन रिवर्स चली जाएगी, और रिवर्स चली जाएगी तो अपने पास ये चीज मिल नहीं पाएगी अपने को। इसलिए तो यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर, ये वाला जो पेपर है वो खत्म हो जाता है।